अरे यार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से निकल चुके हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लेके इवनिंग राइड पे। वैसे आज कहीं जाने का प्लान तो नहीं था, ये प्लान अचानक से बन गया। वैसे आज मौसम भी साफ है तो इसलिए शाम का आज प्लान बन गया। हमको भी मन था कहीं जाने का, बहुत दिन से कहीं निकले नहीं थे, एग्ज़ाम के चलते ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं। अभी एग्ज़ाम से कुछ दिन छुट्टी मिला है तो सोचे कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं। इससे मेरा गोप्रो का टेस्टिंग भी हो जाएगा। माइक हमको फिर से नया लेना पड़ा है तो इसको हम टेस्ट नहीं किए हैं, तो इसी बहाने आज इसका टेस्ट भी हो जाएगा। वैसे बहुत सारा मेरा वीडियो तो ऑडियो के चक्कर में ही ख़राब हो जाता है, ऑडियो ठीक से नहीं आता है इसलिए हम छोड़ देते हैं, अपलोड नहीं करते हैं। आज के प्लान का हमको वैसे कोई आइडिया तो नहीं था, इसलिए हम घर से सारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लेके तो निकले थे पर सोचे नहीं थे कि बनाएंगे, इसलिए हम घर जगह से स्टार्ट नहीं किए। बाहर काफ़ी दूर निकलने के बाद अभी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। वैसे अभी हम लोग जाने वाले हैं दसम फॉल की तरफ। अब देखते हैं, अब दसम फॉल जाएंगे या फिर ऊपर व्यू पॉइंट में जाएंगे या फिर रिमिक्स फॉल। वैसे हम लोग जा तो रहे हैं वही दसम एरिया, पर कुछ लोगों को ये रास्ता थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि हम लोग आज कुछ दूसरा ही रास्ता से जा रहे हैं। वैसे इधर का रास्ता अभी काफ़ी सही है, अब रास्ता अच्छा दिखा है तो थोड़ा भगा लिया जाए यहाँ पे। वैसे अभी हमको पता नहीं है कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आएगा, मेरा बोलने का या फिर बाइक का एग्जॉस्ट साउंड का भी ऑडियो कैसा आएगा पता नहीं। वैसे बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड विंड ब्लास्ट पर काफ़ी डिपेंड करता है, अगर विंड ब्लास्ट थोड़ा कम होगा तो इसका साउंड बहुत ही अच्छा क्लियर आता है, और वहीं अगर जहाँ थोड़ा सा विंड ब्लास्ट बढ़ जाता है तो फिर आपको केवल विंड ब्लास्ट ही सुनाई देगा, बाइक का साउंड तो एकदम कम ही हो जाता है। जो रूट अभी हम लोग लिए हैं वो है खूंटी से भूतगांव मरंगहद्दा होते हुए सीधे हम लोग निकलेंगे दसम फॉल के पास, तो फिलहाल अभी बैटरी बचाना चाहिए। तो अभी जस्ट हम लोग बनगांव बाज़ार पार किए। वैसे बाज़ार में अभी काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, और बाज़ार से पहले ही हम अपना गोप्रो बंद कर दिए थे और बीच बाज़ार में उसको ऑन करना मुश्किल तो था बस गोप्रो में यही बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इससे पहले जब हम फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग कर रहे थे तो हमको उस बैटरी के बारे में उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, एक बार ऑन कर दो और मंजिल तक पहुँचने तक भी अगर ऑन किए रहोगे तो भी अपना बैटरी चल ही जाता था, पर अब वैसा नहीं है। गोप्रो में बैटरी उस तरह से अब नहीं टिकता है जो कि समझा जा सकता है, वैसे इसके लिए अब एक्स्ट्रा बैटरी तो लेना ही पड़ेगा। वैसे अब थोड़ा बारिश वाला मौसम बना रहा है, अब देखो अब करता है या नहीं। वैसे इधर का सीन भी बहुत अच्छा है, हमको लगा हम लोग जंगल पहुंचने वाले हैं इसलिए अपना गोप्रो ऑन किए, तो जंगल अभी थोड़ा दूर है। वैसे हम जो मोड में अभी शूट कर रहे हैं वो है 1080p 30fps, इससे मेरा बैटरी की बैकअप थोड़ा बढ़ जाएगा और इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी में अभी शूट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी में भी अगर शूटिंग कर ले तो फाइल रेंडर नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जंगल पर्वत, और कुछ दूर जाके अब आपको भी रास्ता जाना पहचाना सा लगेगा। वैसे ऐसे ख़राब मौसम को देखते हुए अब सब लौट रहा है और हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो अब फाइनली हम लोग पहुंच गए, जाना पहचान रास्ता अब आपको लग रहा होगा। अरे यार, बच गए हम लोग अभी। तो ये वाला डाली अभी गिरा है, खैर हम लोग पहले रुक गए इसलिए बच गया, नहीं तो हमारे ऊपर ही गिर जाता। हाँ
तो लगभग अब हम लोग पहुँच ही गए हैं, लेकिन ये हुआ क्या, ये पत्ती जल कैसे गया, सारा सूख गया है। वैसे इस बार इन पेड़ों में फल ज़्यादा नहीं, बस पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हुई, तो लेना है राइट। वैसे अभी सीज़न नहीं है इसलिए खाली लग रहा है, वरना यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। ओहो, पहुँच गए हम लोग। पहुँचते ही फैन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो अभी हम चढ़ते हैं एकदम टॉप पे और आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा दिखता है। यहाँ व्यू पॉइंट के टॉप से यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। वैसे बारिश का सीज़न नहीं है इसलिए पानी कम है, इसलिए उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। अगर पानी रहता तो पूरा भरा हुआ रहता है, उस समय देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले जब हम लोग उस साइड से आते थे दसम फॉल, तो नीचे उतरते उतरते इस जगह पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी हमेशा रहता ही है। और उस नीचे से हम लोग जब ऊपर देखते तो यहाँ ऊपर पर कोई ना कोई रहता था, उस टाइम ऐसा यहाँ पर बना नहीं था। उस समय हम लोग नीचे से वह कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग भी कभी ऊपर चढ़ के ऐसा देखेंगे, पर धीरे धीरे पता चला कि यहाँ ऊपर से भी काफ़ी अच्छा है नज़ारा देखने के लिए। तो अब ज़्यादातर कोई दसम फॉल ना जाकर यहाँ ऊपर ही व्यू पॉइंट पे आता है। तो इसी नदी के नीचे साइड उस तरफ पिकनिक स्पॉट है जिसको रिमिक्स फॉल कहते हैं। देखते हैं अभी हम लोग वहाँ जा पाएंगे क्या नहीं, फिर टाइम कम है इसलिए, नहीं तो जाने का प्लान तो वहीं था, पर कोई नहीं, अभी टाइम मैनेज करके देखते हैं वहाँ जाएँगे क्या। वैसे अभी थोड़ा टाइम है तो हम लोग सोच रहे हैं नीचे जाके ही आते हैं, नीचे आने की रिमिक्स फॉल। ओ, गाड़ी बिना स्टार्ट किए इतना स्पीड जा रहा है, अभी जितना स्पीड से नीचे जा रहे उतना ही मेहनत करके वापस लौटना भी पड़ेगा। तो ये है रिमिक्स फॉल। वैसे यहाँ का रास्ता भी काफ़ी फिसलान भरा हुआ है और अपना पैर में एबीएस नहीं है, तो थोड़ा धीरे से चलना होगा। तो चल पड़े हैं हम अपने अभी उबड़ खाबड़ रास्तों में। वैसे काफ़ी को यहाँ पे बाइक भी उतार देता है, हो सकता है इसी रास्ते से या फिर वही साइड से। बाइक का बात की है और पता नहीं आपको उस साइड दिख रहा है कि नहीं, कोई इधर ही से बाइक लेके गए हैं। वैसे यहाँ पे पानी अभी काफ़ी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं है। वैसे पिकनिक मनाने के लिए सबसे जो बेहतर जगह है वो है उस साइड में, अगल बगल पेड़ है, पत्थर है, वहीं पे अच्छा से पिकनिक भी मनाया जा सकता है। तो बस आज का घूमना हम लोग का हो गया, अब निकलने का टाइम है। वैसे उतरते टाइम तो काफ़ी अच्छा से उतर गए थे, अब चढ़ते वक्त थोड़ा गाड़ी को अपना पावर दिखाना होगा। बस अब हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। अब वैसे अभी हम लोग वही सेम रास्ता से लौटेंगे और अंधेरा भी हो गया है, तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते रहेंगे आगे के ब्लॉग्स में। थैंक यू, बाय बाय।